गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सिंह मैथमेटिक्स को कवर कर रहा हूँ। तो बेटा, हमने पिछले लेक्चर में क्या कवर किया था? पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि सेंट्रल मूवमेंट और मूवमेंट में क्या रिलेशन था, ठीक है। और आज हम कवर करने वाले हैं कि मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट में क्या रिलेशन है, ठीक है। देखो, आप सिलेबस को जब आप देखेंगे तो उसमें मूवमेंट का जो रिलेशन है और उसके जो मूवमेंट है और फिर वाइस वर्सा लिखा हुआ है। वाइस वर्सा का मतलब यही है कि उसमें सबसे पहले सेंट्रल मूवमेंट और मूवमेंट का रिलेशन फाइंड आउट करना है, फिर उसका जस्ट उल्टा है। तो मैंने पहले लेक्चर में जो आपका दिया था, वो पहले लेक्चर में दिया था कि सेंट्रल मूवमेंट और मूवमेंट में क्या रिलेशन है। तो आज हम कवर करेंगे कि मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट में क्या रिलेशन है। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन मोमेंट म्यू आर डैश एंड सेंट्रल मोमेंट म्यू आर, ठीक है, इसमें आपको रिलेशन निकालना है। आघूर्ण और केंद्रीय आघूर्ण में क्या संबंध है? तो देखिए कि एज वी नो दैट म्यू आर डैश इक्वल टू वन अपॉन एन सिग्मा आई वन टू एन एफ आई एक्स आई माइनस ए होल टू दी पावर आर के बराबर होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक पॉइंट पर निकाला जाता है, जो कि एक कन्वीनियंट पॉइंट होता है, जो किसके लिए? कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। दूसरा होता है सेंट्रल मूवमेंट के म्यू आर इक्वल टू वन अपॉन एन सिग्मा आई वन टू एन एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार होल टू दी पावर आर, और ये समीकरण हो गया आपका दो हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकालना है कि हमें इसमें रिलेशन निकालना है। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो म्यू आर डैश इक्वल टू वन अपॉन एन सिग्मा आई वन टू एन एफ आई एक्स आई माइनस ए होल टू दी पावर आर हो गया। ये एक पॉइंट पे क्या करता है? लाई करता है। और ये किस पर करता है? मीन पर। तो इसमें मीन को ही आप इसमें से माइनस कर दे और मीन को ही आप इसमें ऐड कर दे, तो देखो क्या निकल के आता है कि इक्वल टू वन अपॉन ए सिग्मा आई वन टू एन एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार, माइनस कर दिया मीन को, फिर आप इसको ऐड करेंगे और माइनस ए ऑलरेडी है ही और होल टू दी पावर आ गया आपका आर, ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं कि वन अपॉन ए सिग्मा आई वन टू एन एफ आई, इसको ब्रेक करेंगे कि एक्स आई माइनस एक्स बार ए ब्रैकेट में प्लस, इसको ब्रेक करिए कि एक्स बार माइनस ए और होल टू दी पावर कितना हो गया बेटा? आर के बराबर हो गया, राइट, नो डाउट। अब देखिए, इसमें एक्स आई माइनस एक्स बार है कि वेयर, जहां ये एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू जेड आई अप्लाई कर लीजिए और इसमें एक्स बार माइनस ए इक्वल टू डी अप्लाई कर लीजिए। तो इस इक्वेशन से क्या मिलेगा कि म्यू आर डैश इक्वल टू वन अपॉन ए सिग्मा आई वन टू एन एफ आई, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा कि जेड आई और प्लस डी होल टू दी पावर आर, इसको समीकरण आप तीन ले लीजिए, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही आप क्या लगाएंगे? बाइनोमियल थ्योरम। पहले भी रिलेशन में आपने बाइनोमियल थ्योरम लगाई थी दो पद पर में, तो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें। क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम? क्या ए प्लस बी होल टू दी पावर एन एन सी जीरो ए टू दी पावर एन बी जीरो, राइट, पहले टर्म भी आएगी प्लस एन सी वन ए एन माइनस वन बी और प्लस एन सी टू ए एन माइनस
बी स्क्वायर राइट। फिर एक और ले लीजिए टर्म कि एम सी थ्री ए टू दी पावर ए माइनस थ्री और बी क्यू ठीक है। एक लास्ट टर्म अप्लाई करिए, लास्ट टर्म क्या होगी एम सी एल और ए टू दी पावर जीरो और बी टू दी पावर एन होगा ठीक है। ये आप बाइनोमियल फॉर्म के क्या है आपके टर्म्स आ गए ठीक है बेटा। इसकी हेल्प से क्या करेंगे इस समीकरण थर्ड को समीकरण तीन को हल करेंगे। तो ए के स्थान पर क्या अप्लाई करना है जेड आई अप्लाई करना है और बी के स्थान पर क्या अप्लाई करना है आपको डी अप्लाई करना है और एन के स्थान पर आर अप्लाई करेंगे। देखो इसकी क्या खासियत है कि एनसीआर की वैल्यू तो आप जानती ही कैसे निकालेंगे कि एल सी आर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन माइनस आर की हेल्प से इन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं क्या ले लो ठीक है। बहुत ही इजी है पहले कर चुके हैं यार। देखो क्या टर्म निकलेगी क्या म्यू आर डैश वन अपॉन एल सिग्मा आई वन टू एल और क्या होगा एफ आई। इसको आप सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा कि आर सी जीरो एल के स्थान पर क्या करना है आपको आर तो आर सी जीरो जेड आई टू की पावर कितना हो गया आर और डी पे पावर जीरो प्लस कि आर सी वन और जेड आई आर माइनस वन और डी के बराबर हो गया ठीक है। आगे देखिए कि आर सी टू जेड आई आर टू दी पावर माइ आर माइनस टू और डी स्क्वायर आर सी थ्री जेड आई और पावर कितना आर माइनस थ्री और डी क्यू। एक लास्ट टर्म और थी आपकी कि आर सी आर और डी का पावर कितना जेड आई पावर कितना हो जाएगा जीरो और डी पे पावर कितना हो जाएगा आर ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे आप इसमें वन अपॉन ए को रखा ले लीजिए बिल्कुल सेम आई इक्वल टू एन एफ आई। अब इसको सॉल्व करें तो बेटा कितना हो गया कि आर सी आर की जीरो की वैल्यू कितनी होगी वन और ये निकल के आएगा जेड में पावर कितना हो जाएगा आर और ये वैल्यू कितनी हो गई वन और प्लस आर सी वन की वैल्यू कितनी होगी आर के बराबर और ये बन गई आपकी जेड आई आर माइनस वन और डी और प्लस ये बन गई आपकी आर और आर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू ठीक है। और ये बनेगा कि जेड आई पे पावर आर माइनस टू डी स्क्वायर और प्लस कि आर सी थ्री आर आर माइनस वन आर माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री ठीक है। और जेड आई की वैल्यू कितनी होगी जेड आई की वैल्यू रखो कि जेड आई आर की पावर माइनस थ्री और जेड क्यू के बराबर आएगा। लास्ट टर्म देखिए कि आर सी आर की वैल्यू कितनी होगी बेटा वन के बराबर हो गई और ये वैल्यू कितने वन के बराबर ये कितनी हो गई डी टू दी पावर आर ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आ जाएगा कि वन अपॉन ए सिग्मा आई वन टू एन एफ आई और जेड आई का पावर कितना हो गया आर ठीक है प्लस ये आर ले लीजिए वन अपॉन ए सिग्मा आई वन टू एन एफ आई और z i की पावर r माइनस वन और d d के बराबर हो गया मल्टीप्लाई कर रहे फिर क्या होगा इस टर्म में करेंगे तो r r माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू वन अपॉन a सिग्मा i वन टू a f i और z i r माइनस टू और ये बनेगा बेटा d स्क्वायर ठीक है। फिर देखिए यहां पर देखिए प्लस r r माइनस वन r माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री ठीक है और वन अपॉन ए सिग्मा आई वन टू एन एफ आई और जेड आई कितना है जेड आई आर टू दी पावर माइनस थ्री और डी क्यू के बराबर और लास्ट में हो जाएगा बेटा वन अपॉन ए सिग्मा आई वन टू एन एफ आई और ये डी टू दी पावर आर के बराबर ठीक है बेटा मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जेड आई का z
जेड आई के स्थान पर क्या रखेंगे कि एक्स आई माइनस एक्स वन अप्लाई करेंगे। तो देखो इसमें कि वन अपॉन एल सिग्मा सिग्मा आई वन टू एल एफ आई और जेड के स्थान पर कितना एक्स आई माइनस एक्स वन होल टू दी पावर आर के बराबर हो गया प्लस आर है और इसको आप एक ब्रैकेट में वन अपॉन आर सॉरी वन अपॉन एल सिग्मा आई वन टू एल एफ आई और जेड के स्थान पर एक्स आई माइनस एक्स बार और होल टू दी पावर होगा बेटा आर माइनस वन और डी के स्थान पर क्या रख दे डी के स्थान पर कि डी के स्थान पर यू वन डैश रखो क्या रखे यू वन डैश तो यहां रखेंगे आप यू वन डैश प्लस इसी तरह से इसको करेंगे कि आर और आर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू ठीक है और ब्रैकेट में आप ले लीजिए कि वन अपॉन एन सिग्मा आई वन टू एन एफ आई और जेड आई के स्थान पर क्या आता है एक्स आई माइनस एक्स बार होल टू दी पावर आर माइनस टू और ये कितना हो जाएगा कि म्यू वन डैश स्क्वायर ठीक है। अगली टर्म को सॉल्व करो कि प्लस आर आर माइनस वन आर माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री राइट ब्रैकेट में आप ले जाइए तो वन अपॉन एन और सिग्मा आई वन टू एन एफ आई जेड के स्थान पर एक्स आई माइनस एक्स बार होल टू दी पावर आर माइनस थ्री और इसका बेटा क्या करें कि म्यू वन डैश क्यू डी के स्थान पर प्लस देखिए अब लास्ट टर्म है कि वन अपॉन एन है तो वन अपॉन एन हो गया और ये क्या बेटा सिग्मा एफ आई यानी बारंबारता का योग और बारंबारता का योग किसके बराबर रहता है एन के बराबर रहता है तो ये कितना हो गया इनटू एन और ये कितना हो जाएगा बेटा यू वन डैश पावर आर ठीक है और एन से एन कैंसिल करेंगे ठीक है। देखो आगे क्या आएगा देखो देखो ये हो जाएगा म्यू वन डैश इक्वल टू वन अपॉन एन ये किसके बराबर है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आएगा बेटा ये क्या है सेंटर मूवमेंट तो ये क्या निकल के आएगा कि म्यू आर डैश ये किसके बराबर हो गया म्यू आर के बराबर हो गया प्लस आर आर फिर कितना आ जाएगा कि म्यू आर माइनस वन और म्यू वन डैश ठीक है फिर इसका क्या आएगा कि प्लस आर आर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू और फिर क्या आएगा इसमें कि म्यू आर माइनस सेंटर मूवमेंट आर माइनस टू म्यू वन डैश स्क्वायर इसी तरह से ये आएगा थर्ड वाला कि प्लस आर आर माइनस वन आर माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री और इसमें आ जाएगा कि म्यू आर माइनस थ्री कि म्यू वन डैश क्यू लास्ट की टर्म आएगी बेटा लास्ट की टर्म कितनी आ जाएगी कि म्यू वन डैश टू की पावर आर ठीक है। अब इसको आप रफ कर दीजिए ये बन गया हमारा रिजल्ट। अब इस रिजल्ट से जितनी भी वैल्यूज है उसको निकालो उसमें दिया जाता है बेटा कि आंकड़ों का संबंध है ये क्या है कि मोमेंट और सेंटर मूवमेंट का रिलेशन है। तो अब निकालेंगे सबसे पहले कि यदि पहला निकाला कि यदि r बराबर 0 हो तो कितना हो जाएगा कि म्यू 0 डैश और म्यू 0 अब ये किसके बराबर है क्यों बराबर है कि इसका निकालेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है बात खत्म। दूसरा निकालेंगे कि यदि यदि r बराबर 1 हो r बराबर 1 यानी r बराबर तो कितना हो जाएगा कि म्यू 1 डैश और म्यू 1 म्यू 1 के बराबर होगा प्लस कितना आ जाएगा r की वैल्यू 1 अप्लाई करो 1 और म्यू 0 म्यू 0 और म्यू 1 डैश आएगा। अब आप इसमें से म्यू 0 की वैल्यू कितनी है 1 है तो कितना आ जाएगा इसमें म्यू 1 और प्लस 1 * 1 और ये कितना होगा म्यू 1 डैश तो देखो म्यू 1 प्लस म्यू 1 डैश के बराबर हो गया और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यानी म्यू 1 प्लस और d के बराबर हो गया ठीक है भाई म्यू 1 डैश किसके बराबर d के बराबर है। फिर इसी तरह से तीसरा है इसमें
कि यदि r बराबर 2 हो, अगर r बराबर 2 ले तो कौन सा निकलेगा कि म्यू 2 डैश, r की वैल्यू रखो 2, तो म्यू 2 2 रखेंगे तो 2 और म्यू 1 और म्यू 1 डैश फिर करेंगे तो प्लस 2 into 1 upon 2 फैक्टोरियल 2 और इसका करेंगे तो म्यू 0 और ये कितना हो जाएगा म्यू 1 डैश स्क्वायर। देखिए क्या निकल के आएगा कि म्यू 2 प्लस के 2 म्यू 1 और म्यू 1 डैश आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 के इक्वल होती है प्लस और म्यू 0 और म्यू 1 डैश। देखिए जानते हो कि म्यू 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 और म्यू 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या निकल के आएगा म्यू 2 डैश। तो देखो म्यू 2 डैश इक्वल टू, देखो म्यू 2 तो है और प्लस ये रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर और ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, तो प्लस कितना होगा म्यू 1 डैश स्क्वायर और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि म्यू 2 प्लस और डी स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से निकालते हैं कौन सा 3 की वैल्यू निकालते हैं, म्यू 3 की वैल्यू, म्यू 3 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यदि यदि चौथा इसमें कि यदि r बराबर 3 हो तो इसमें लिखेंगे कि म्यू म्यू 0 डैश सॉरी म्यू 3 डैश, तो म्यू 3 हो गया प्लस कितना हो गया 3 और म्यू 2 और म्यू 1 डैश प्लस 3 इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, और यहां कितना हो जाएगा कि म्यू 1 और म्यू 1 डैश स्क्वायर और यहां कितना होगा 3 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और बेटा कितना हो जाएगा म्यू 0 और ये म्यू 1 डैश क्यूब के बराबर। ठीक है, आप देखिए इसको कि म्यू 3 तो 3 तो है, म्यू 2 म्यू 1 डैश और फैक्टोरियल ये 2 की वैल्यू 2 है तो 3 आ जाएगा, तो म्यू 1 और म्यू 1 डैश स्क्वायर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू किसकी होती है 6 के, तो ऊपर भी 6 है तो कैंसिल हो जाएगा कि म्यू 0 म्यू 1 डैश क्यूब। ठीक है, यही तो आया ना। अब देखो इसमें कि म्यू 1 की वैल्यू 0 है और म्यू 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये जो रिजल्ट है ये वाला वो किसके बराबर 0 के बराबर और ये 1 के बराबर, तो क्या निकल के आएगा कि म्यू 3 और प्लस 3 म्यू 2 म्यू 1 डैश और प्लस यानी म्यू 1 डैश क्यूब और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा कि म्यू 2 म्यू 3 सॉरी और 3 3 म्यू 2 और म्यू 1 डैश और ये कितना निकल के आएगा म्यू डैश की वैल्यू डी के बराबर है, ये डी और प्लस डी क्यूब। ठीक है, आगे क्या है, यदि आर बराबर क्या हो 4 हो तो देखो म्यू 4 डैश, तो देखो म्यू 4 प्लस 4 हो जाएगा और म्यू 3 म्यू 1 डैश 4 और 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और म्यू 4 सॉरी 2 और म्यू 1 डैश स्क्वायर प्लस 4 3 और 2 फैक्टोरियल 3 और म्यू 1 म्यू 1 और म्यू 1 डैश क्यू प्लस 4 और 3 2 और 1 फैक्टोरियल 4 और आगे आ जाएगा कि म्यू 0 और म्यू 1 डैश पावर 4 के बराबर आ जाएगा। देखो एक रिलेशन होता है कि इसमें r r माइनस 1 इसकी जो r की वैल्यू है वो क्या हो रही है इन डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है और इसकी पावर क्या होती है इंक्रीज होती है म्यू डैश की, बस दो बातें ध्यान रखिए आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या आएगा निकल के देखते हैं, ठीक है तो ये हो जाएगा आपका कि म्यू 4 डैश, देखो म्यू 4 और प्लस 4 म्यू 3 और म्यू 1 डैश और प्लस 2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 6 हो जाएगा 6 और म्यू 2 और म्यू 1 डैश स्क्वायर और प्लस ये 6 की वैल्यू प्लस 4 म्यू 1 म्यू 1 और म्यू 1 डैश क्यूब और ये तो इसके ऊपर हो गया 24 के बराबर, 24 ऊपर है कैंसिल हो गया प्लस म्यू 0
और म्यू वन डैश पावर फोर, ये रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। ये किसके? वन के बराबर। तो क्या निकल के आएगा देखो कि म्यू फोर या म्यू फोर प्लस फोर म्यू थ्री म्यू वन डैश प्लस सिक्स म्यू टू म्यू वन डैश स्क्वायर, राइट, और प्लस ये लास्ट काउंट कराएगा कि म्यू वन डैश पावर फोर, और इसको हम डी की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा म्यू फोर प्लस फोर म्यू थ्री और डी आ जाएगा इसमें, और प्लस सिक्स म्यू टू डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कि डी पावर फोर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने आज निकाल के देखा, वो ये बहुत इजी है, तो ये बेटा बहुत अच्छी तरह से आपको करना है, और ये एग्जाम में कई बार पूछे गए, दोनों की दोनों रिलेशन है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।